If you're going to book your IELTS exam date in the month of May, then this video is only for you. Hey guys, welcome back. You're watching JK Spoken English. In today's video, we are going to discuss May IELTS exam dates. May month में कौन-कौन सी dates रखी गई हैं? कौन सा एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट रह सकता है और कौन सा मॉडरेट और आपको कौन से एग्ज़ाम के साथ जाना चाहिए. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ओनली गैस वर्क है, अगर आपकी प्रेपरेशन है तभी दिस काइंड ऑफ जो प्रडिक्शन वीडियोज़ है आपके लिए वर्क करेंगी, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से चेक करना. फर्स्ट IELTS एग्जाम डेट दैट विल बी ऑन 8th ऑफ मई 2021. इट विल बी फॉर बोथ एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम क्या हुआ था कि अप्रैल मंथ में जो एग्ज़ाम्स थी प्रेडिक्शन बनाई गई थी, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं थे. कुछ पर्टिकुलर सीरीज़ में वो जनरल ट्रेनिंग के साथ थे, कुछ सीरीज़ में विदाउट जनरल ट्रेनिंग थे. तो अप्रैल मंथ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी बच्चों को. इवन इस टाइम जो 8th ऑफ मई का एग्ज़ाम है उसमें डे आ रहा है सैटरडे. इस एग्ज़ाम के ईजी टू मॉडरेट रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है. लिसनिंग का लेवल ईजी टू मॉडरेट रह सकता है. MCQs के नंबर की अगर हम बात करें तो रह सकते हैं 20+, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर MCQs, लार्ज MCQs आ सकते हैं 6 to 7, काफ़ी ट्रिकी रह सकते हैं. फिलअप्स आ सकते हैं अराउंड 18 तक आपको फिलअप्स आ सकते हैं. फिलअप्स के लिए आपको स्पेलिंग्स पे वर्क करना होगा. बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करो वीडियोस से जाके. वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. रीडिंग के लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट प्लस रह सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि जो मंथ का फर्स्ट एग्जाम होता है तब एग्जाम लिटिल बिट ईजी होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ एग्जाम्स. तो इस बार रीडिंग के मॉडरेट रहने के चांसेस है एकेडमिक वाले बच्चों की. JT वाले बच्चों की रीडिंग रह सकती है ईजी टू मॉडरेट. Moving to the second IELTS exam date in the month of May, it will be on 20th of May and day arrives me Thursday. Again, जो exam academic और GT वाले बच्चों का है. Level की अगर हम बात करें listening की तो listening का level moderate रह सकता है. MCQs के नंबर की अगर हम बात करें, वैसे इसके लिए अलग सी वीडियो बनेगी, आपको क्लियरली बताया जाएगा. MCQs के नंबर की अगर हम बात करें तो 18+ रह सकते हैं. विद मैच द इन्फॉर्मेशन विद मैप टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो. मैप पे भी वीडियो बन चुकी है जिसमें पर्टिकुलरली मैप की प्रैक्टिस करवाई गई है, उस वीडियो को आप जरूर से चेक करना. लिंक है जो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन. रीडिंग की अगर हम बात करें एकेडमिक वाले बच्चों की तो मॉडरेट रह सकती है, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिलअप्स कंप्लीट द समरी, यस नो नॉट गिवन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं. टू द थर्ड IELTS एग्जाम डेट जो कि 22nd of May को और डे आर एस में सैटरडे और जे एग्जाम ओनली फॉर एकेडमिक है. GT वाले बच्चों के लिए जे एग्जाम नहीं है, ओनली फॉर एकेडमिक है. लिसनिंग के लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट रह सकता है, जिसमें आपको MCQs 20+ आ सकते हैं और फिलअप्स टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं और अप टू 2 वर्ड्स रह सकता है फिलअप का. रीडिंग के लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट प्लस रह सकता है. ओवरऑल हम इसका बताएंगे अलग से प्रेडिक्शन वीडियो में. मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके. मोर ओवर जब भी हम प्रेडिक्शन वीडियो डालते हैं तो उसका जो स्क्रीन शॉट है हमारे रिव्यू वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं एज अ प्रूफ, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी प्रेडिक्शन है वो कितने परसेंटेज राइट होती है. लास्ट IELTS एग्जाम डेट इन द मंथ ऑफ मे जो कि 29th of May को और DRS में सैटरडे, जे एग्जाम एकेडमिक और GT वाले बच्चों का है. एंड जे एग्जाम ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सीरीज में होगा. एग्जाम डेट बुक करने से पहले आप कंफर्म कर लें. लेवल की अगर हम बात करें जो मंथ का लास्ट एग्जाम है तो इसके मॉडरेट प्लस रहने के चांसेस है. लिसनिंग का लेवल मॉडरेट प्लस रह सकता है. रीडिंग का लेवल एकेडमिक वाले बच्चों का मॉडरेट प्लस ट्रिकी रह सकता है. और अगर हम GT वाले बच्चों की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट रह सकता है जे वाला एग्ज़ाम. ओवरऑल अगर हम बात करें कि आपको कौन से एग्ज़ाम की डेट बुक करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जे डिपेंड करता है आपकी प्रेपरेशन पे. अगर आपकी प्रेपरेशन है तभी दिस काइंड ऑफ गैस वर्क है आपके लिए वर्क करेंगे, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रैक्टिस 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 बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. अगर आपकी प्रैक्टिस है तो सब कुछ है और जे सब प्रेडिक्शन वीडियोज़ भी आपके लिए वर्क करेंगी.
अगर आपकी प्रेपरेशन है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मंथ की फर्स्ट आयल्स एग्जाम डेट के साथ जाना चाहिए या फिर सेकेंड आयल्स एग्जाम डेट के साथ आपको जाना चाहिए। दोनों ही एग्जाम अच्छे रहेंगे, इजी टू मॉडरेट आने के चांसेस है। स्पीकिंग की अगर हम बात करें, स्पीकिंग में जो जो क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं बच्चों को, उनके लिए अलग से हमने वीडियो बनाई थी। बच्चे कमेंट के थ्रू और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमें बता रहे हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बनी थी। मोस्ट ऑफ द क्यू कार्ड ऐसे हैं जो जैन टू अप्रैल की फाइनल लिस्ट में से नहीं है, आपको ज़रूर से प्रिपेयर करने चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। वीडियो है जो कल हमने अपलोड की थी, आप चेक कर सकते हो, उसके पहले वाली वीडियो अगर है। आप भी अप्रैल मंथ में अपना आज का एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं, आपसे जो भी क्यू कार्ड पूछा जाता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, ताकि हम और बच्चों के साथ शेयर कर सकें। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।